वहीं राज्य विधानसभा में दलितों पर अत्याचार का मामला गूंजा है। निवाई से बीजेपी विधायक हीरालाल रैगर ने सरकारी स्कूल में हेडमास्टर पर दलित छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर कांग्रेस के विधायकों ने भी रैगर का साथ दिया और सदन में जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस ने सरकार को दलित आदिवासी विरोधी बताया। रैगर ने आरोप लगाते हुए कहा कि दलित संगठनों से एसपी ने भी बात करने से मना कर दिया। प्रदेश में दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कांग्रेस ने भी हल्ला मचाया और कार्रवाई की मांग करी। प्रदेश में दलित अत्याचार के आरोप इस दौरान लगाए गए। वहीं राज्य विधानसभा के बजट सत्र में तीसरे दिन गुरुवार को भी हंगामा रहा। बीजेपी विधायक घनश्याम तिवाड़ी ने आरोप लगाया कि सदन में लगातार मेरी आवाज को दबाया जा रहा है, लेकिन वो ना तो सदन में चुप रहेंगे और ना ही सड़क पर। उन्होंने आरोप लगाया कि ये मेरी अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन है। वहीं दूसरी ओर संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि तिवाड़ी जी का ये कृत्य अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। इस पर तिवाड़ी ने कहा कि अनुशासनहीनता का जवाब तो 3 महीने पहले आ चुका है। तिवाड़ी ने सरकार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन का आरोप लगाते हुए सदन की कार्यवाही से वॉकआउट किया। आज मुझे बोलने के लिए कहा था, लेकिन आज भी जब अवसर नहीं दिया तो मैंने उपाध्यक्ष महोदय को एक स्लिप भेजी थी जिसमें अपना मुद्दा उठाने की मांग की थी। उन्होंने मुझे मुद्दा उठाने का अवसर दिया और मैंने कहा कि ये जो नियमों के विरुद्ध मुझे बोलने से रोका जा रहा है, ये लोकतंत्र पर कुठाराघात है और इसलिए मैं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को रोकने के विरोध में या तो धरने पर बैठूँ या आपके सामने आकर हंगामा करूँ। ये दोनों स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने सदन का आज का बहिष्कार किया विरोध के स्वरूप में। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल में पूर्णतः आंतरिक लोकतंत्र है। श्री तिवाड़ी विधायक दल की मीटिंगों में लगभग 3 वर्षों से नहीं आ रहे हैं, पार्टी की कार्य समिति और दूसरी मीटिंगों में भी नहीं आ रहे हैं, पर पार्टी की रीति नीति से पूर्णतः वाकिफ है। आज उनका सदन से बहिर्गमन मैं समझता हूं कि अनुशासनहीनता के साथ साथ संसदीय परंपराओं के विपरीत है। सत्र के चौथे दिन गुरुवार को प्रश्नकाल में निर्दलीय विधायक नंद किशोर महरिया ने किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा उठाया। इस पर कांग्रेस के सभी विधायकों ने सरकार को घेरने का भी प्रयास किया, जिसके बाद सत्तारूढ़ दल के विधायकों की ओर से विरोध करने पर पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच जोरदार हंगामा भी हुआ। देखिए सर, नहीं है, सवाल इसलिए स्थगित हुआ क्योंकि ये सेम प्रश्न 25-10-2017 को जो विधानसभा में लगा था, इसका अब वो जवाब सरकार के द्वारा दिया जा चुका है। और अभी जिस प्रकार समर्थन मूल्य पर खरीद का सवाल था, ये कुछ सहकारिता विभाग से जुड़ा हुआ था, इसलिए इन दोनों विषयों को ध्यान में रखते हुए स्थगित किया गया, इसको कैंसिल नहीं किया गया है। और यदि प्रतिपक्ष आएगा तो इसमें जितनी चाहे सदन में वो चर्चा